मॉर्निंग माई डियर चिल्ड्रन, रीडिंग ऑफ चैप्टर 6 ऑफ योर EVS बुक दैट्स नेम इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज नॉट कम्प्लीटेड येट. सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर रीडिंग. सो स्टूडेंट्स प्लीज ओपन पेज नंबर 41 एंड द टॉपिक इज दिस, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू. ओके, देखिए, ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान डिपेंड, आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं किस पर? प्लांट्स पर और एनिमल्स पर. मतलब जो हम इंसान हैं वो प्लांट्स पर और एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं. वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर मैनी थिंग्स इन आर डेली लाइफ. नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि हम एनिमल्स और प्लांट्स पर क्यों डिपेंड हैं? Why we are dependent on plants and animals? So, the answer of this question is, we are dependent on plants and animals for various reasons. हम बहुत सारे reasons की वजह से plants और animals के ऊपर depend हैं. For many things, बहुत सारी चीज़ों की वजह से in our daily life, हमारे रोज़ की जीवन में जो होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं, रोज़ाना होती हैं. जैसे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्लांट्स की. प्लांट्स पर हम क्यों डिपेंड है, प्लांट्स हमें क्यों चाहिए? विदाउट प्लांट्स वी कैन नॉट सर्वाइव. क्यों? क्योंकि प्लांट्स गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स. हमको जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए और उन चीज़ों की ज़रूरत जो हमें होती है वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? वो चीज़ें हमें प्लांट्स से मिलती हैं. तो प्लांट्स जो हैं वो हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें देते हैं, जैसे हमारे खाने की चीज़ें, फूड आइटम्स लाइक सीरियल्स, अनाज, गेहूँ, चावल, है ना, पल्सेस, दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ऑयल. अब आप सोचो कि क्या आप रोटी, चावल, दाल, फल, सब्जियाँ, तेल, इन सब के बिना सर्वाइव कर सकते हो, जिंदा रह सकते हो? अगर ये सब नहीं खाओगे तो व्हाट विल यू ईट, क्या खाओगे? हाउ विल यू सर्वाइव, कैसे आप जिंदा रहोगे? थिंक अबाउट इट. दूसरी चीज़ है कॉटन फॉर क्लोथ्स. अभी आप जो है विदाउट क्लोथ्स तो नहीं रह सकते हो ना, कपड़े आपको चाहिए. और आप कपड़े जो बनाओगे वो किससे बनाओगे? फाइबर से. फाइबर कहाँ से मिलेगी? कॉटन से. तो आपको जो कपड़े मिलते हैं वो प्लांट से मिलते हैं, आपको जो खाना मिलता है वो प्लांट से मिलता है. कपड़े आपको रोज़ पहनने के लिए चाहिए, खाना आपको रोज़ खाने के लिए चाहिए, तो हो गया ना प्लांट की ज़रूरत हमारे डेली लाइफ में. आगे चलते हैं, अब हम और देखते हैं हमको और क्या क्या प्लांट से मिलता है. फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ फायरवुड. फायरवुड का मतलब क्या होता है? लकड़ियाँ, जिनसे आग, मतलब जिनकी मदद से हम आग जलाते हैं. गांव में लोग खाना बनाने के लिए फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है? वो उनके लिए फ्यूल है. जैसे हमारी मम्मी किचन में खाना बनाती हैं तो सिलेंडर का यूज़ करती हैं, और सिलेंडर में क्या भरी हुई है? गैस. अब वो जो गैस है ना, उससे हम खाना बनाते हैं. और जो गांव होते हैं वहाँ पर सिलेंडर नहीं होते, तो वो लोग जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं, वही उनके लिए फ्यूल है, वो भी हमें पेड़ों से मिलता है. कोल इज़ डीकम्पोज प्लांट मटेरियल बरीड अंडर द सॉइल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. अच्छा, जो लोग कोयला जलाते हैं, कोयला, कोल मतलब कोयला, तो आप सोचोगे कि कोयला जलाने से भी तो हम खाना बना सकते हैं ना, कोयला जला लो और उस पर खाना बना लो. लेकिन बात यह है कि जो कोयला है वो कहाँ से आया है? वो भी प्लांट से आया है. अब आप सोच रहे होंगे कोयला कैसे प्लांट से आया है, तो देखिए कोयला बनता कैसे, इस पर जाना पड़ेगा. जो कोल है ना वो डीकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल है, जो बरी हो गया था, मतलब दफना दिया गया था अंडर द सॉइल, मिट्टी के नीचे, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लाखों करोड़ों साल पहले. जो पौधे थे वो पौधे टूट गए, झड़ गए, मर गए, ख़राब हो गए और ज़मीन के अंदर दब गए, और बहुत सालों तक दबे रहे, और दबे 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 वो प्लांट जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में. तो आज हम जो कोल जो हैं, जिसको हम बाहर निकालते हैं खानों से, तो वो कोल जो हैं वो एक प्रकार का प्लांट फॉर्म ही तो है, पौधे से ही तो बने हैं. तो जो हमारा फ्यूल है, जो हमारा ईंधन है ना, चाहे हम लकड़ी यूज़ करें, चाहे हम कोल इस्तेमाल करें, वो सब हमको किससे मिला है? पौधों से.
वुड फॉर फर्नीचर एंड टिम्बर फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब हमें फर्नीचर बनाना है, जैसे ये फर्नीचर बना हुआ है ना, तो इसके लिए जो लकड़ी चाहिए वो किससे बनी, वो किससे मिलेगी, पेड़ों से मिलेगी। एंड टिम्बर फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए जब हम कोई इमारत बनाते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी बिल्डिंग का, तो हमें जो लकड़ी चाहिए होती है उस लकड़ी को ही हम टिम्बर कहते हैं, है ना, तो वो भी हमें प्लांट से मिलता है। अगला देखिए, पेपर फ्रॉम पल्प ऑफ ट्रीज और बैम्बू। अब हम कागज, इस कागज से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, और जिस कागज पर आप इसको लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो कागज बनता है पल्प से, लुगदी से, है ना, और वो लुगदी किसकी बनती है, ट्रीज से, यानी कि पेड़ों से, या हम कह सकते हैं बैम्बू से। बैम्बू ट्री को छील कर उसकी पल्प बना ली जाती है, और उस पल्प से फिर उसको ड्राई करके उसका पेपर बनाया जाता है, लाइक दिस। ये पेपर है आपका, देखिए ये रबर है, रबर के सारे टायर हैं, ये भी टायर वाले जो आइटम हैं ये भी सब प्लांट से बनते हैं। फर्नीचर भी प्लांट से बनता है, जो आपका फायरवुड है, देखिए चूल्हा है, चूल्हे में ये लकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये भी आपका प्लांट से है, और जो कोयला जल रहा है, यहाँ पर आग निकल रही है, ये सब आपके प्लांट प्रोडक्ट हैं। ये सब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप इनके बिना जी सकते हो, सोच के देखो। आगे देखो, मेडिसिन फ्रॉम लीव्स बार्क रूट्स और फ्रूट्स ऑफ ट्रीज एंड हर्ब्स। अब आप जब बीमार पड़ जाते हो तो दवाइयाँ चाहिए होती हैं, दवाइयाँ भी आपको पेड़ों से मिलती है, बहुत सारे पेड़ों की पत्तियाँ मेडिसिन का काम करती हैं। जो बार्क होती है ना पेड़ के ऊपर की, पेड़ का जो स्टेम होता है मोटा वाला तना, उसके ऊपर की जो लेयर होती है, स्किन होती है, उसको हम बार्क कहते हैं, मतलब छाल, उसको भी आप खाते हैं, जैसे कि दालचीनी है, पेड़ की जड़ें खाते हैं आप, बहुत सारे फल खाते हैं। बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है, रोटी चावल खाना बंद करो और फल खाओ, क्यों, क्योंकि फल भी एक प्रकार की मेडिसिन का काम करते हैं। और बहुत सारी हर्ब्स हैं, हर्ब्स मतलब औषधियाँ हैं, जैसे छोटे छोटे, जैसे कि आप तुलसी ले सकते हैं, आप पुदीना ले सकते हैं, ये आपकी हर्ब्स हैं, तो ये सब आपका मेडिसिन का काम करती हैं, तो ये आपको प्लांट से मिलता है। आगे देखिए, पाम ट्रीज पाम लीव्स एंड हे इज यूज्ड टू थैच हट्स एंड मेक बास्केट्स एंड ब्रूम्स। अब जो पाम ट्रीज़ पाम लीव्स होते हैं, पाम की जो पत्तियां होती हैं, और जो हे जो घास फूस होती है ना, वो उससे आप क्या करते हो, उससे आप झोपड़ियां बनाते हो, थैच हट्स, झोपड़ियां देखी आपने इस तरीके की गांव में, ये क्या हैं आपकी, थैच्ड हट्स हैं, ठीक। ये किससे बनती हैं, ये सारी हे से, मतलब भूसे से, और पाम लीव से बनती हैं, पाम के बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनसे बनती हैं, और उनसे हम बहुत सारी बास्केट्स और झाड़ू, ब्रूम्स मतलब झाड़ू और बास्केट्स, उनसे बनाते हैं। तो ये हमारा डेली लाइफ है, हम अपने रोज़ के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी तरह इन चीज़ों से गुजरते ही हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और वो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती किससे हैं, प्लांट से। तो हुए ना प्लांट हमारे लिए यूज़फुल। तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है कि प्लांट हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं, हाउ द प्लांट्स यूज़फुल फॉर अस, तो आप उसका आंसर करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपने जितने भी प्लांट्स के यूज़ पढ़े हैं, आप इसमें से जो आपको यूज़ अच्छा लगे, बेहतर लगे, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं कि एनिमल्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए बच्चों, एनिमल्स से हमें क्या क्या मिलता है, एनिमल्स आर ऑल्सो यूज़फुल टू अस, एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। वी ऑल्सो गेट सम यूज़फुल थिंग्स फ्राम एनिमल्स सच एस, और हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें एनिमल्स से भी मिलती हैं, जैसे फूड आइटम्स, बहुत सारे फूड आइटम्स, जैसे दूध, जैसे मीट, जैसे एग्स, और सी फूड, जो समुद्र में रहने वाले जानवर हैं, तो जो लोग उनको खाते हैं वो भोजन उनके लिए सी फूड कहलाता है, लाइक फिश एंड प्रॉन, झींगा। तो ये इस प्रकार का भोजन खाने वाले ये बोल सकते हैं कि जो उनका भोजन है वो उनको किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। और जो हर्बीवोरस हैं वो ये कह सकते हैं कि उनको अपना भोजन किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। तो एनिमल्स वालों को एनिमल से मिलता है, और वैसे भी जो हर्बीवोरस होते हैं उनको मिल्क तो यूज़ करना ही है, बिना मिल्क के तो वो रह ही नहीं सकते हैं, है ना। तो मिल्क जो है ना वो तो एनिमल प्रोडक्ट है, तो एनिमल्स के ऊपर तो डिपेंडेंसी उनकी बनी जाती है। आगे देखो, लेदर फ्रॉम एनिमल स्किन ऑफ काउज। अब देखो, गाय, बफलोज, कैमल्स एंड गोट्स आर यूज्ड टू मेक शूज़, बेल्ट्स एंड बैग्स। अब देखो, गाय, भैंस, उनके ऊपर की जो स्किन होती है ना वो बहुत मोटी होती है, हैवी होती है, चमड़ा जिसे बोलते हैं,
चाहे वो ऊँट हो चाहे वो बकरी हो, तो इनकी स्किन उतार ली जाती है जब ये मर जाते हैं, या बहुत सारे लोग इन्हें मार भी देते हैं तो मरने के बाद या मरने के बाद इनकी स्किन जो है वो हम उतार लेते हैं और उससे लेदर बनाते हैं, और उस लेदर को यूज़ करते हैं फिर किस में, जूता बनाने में, बेल्ट बनाने में, बैग्स बनाने में। तो ये जानवरों की स्किन से बनने वाले सामान हैं। इसलिए जब भी आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में साफ इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आप जूते, बेल्ट या आपके पास अगर लेदर का बैग है तो आप उसे बाहर ही उतार कर मंदिर में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर में कोई भी अपवित्र चीज़ जो है वो अंदर नहीं ले जाई जाती है। तो गाय, भैंस या जानवर कोई भी हो, उसकी स्किन से अगर कोई चीज़ बन रही है तो मंदिर के लिए तो वो शुद्ध नहीं है ना, अशुद्ध हो जाती है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को बाहर उतारना पड़ता है, है ना। आगे कभी भी आप लाइफ में मंदिर जाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे देखिए गारमेंट्स। गारमेंट्स मतलब क्या होते हैं? कपड़े जो आप पहनते हैं। गारमेंट्स मेड ऑफ शीप वूल कीप अस वॉर्म इन विंटर। तो शीप मतलब भेड़। अब भेड़ के ऊपर जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, तो होते तो उनको विंटर से बचाने के लिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके बालों को निकाल लेते हैं, उतार लेते हैं, छील लेते हैं उसके बालों को, वहाँ से हटा लेते हैं, फिर और आ जाते हैं उसकी स्किन पर बाल। उन बालों से हम अपने लिए ऊन बनाते हैं और ऊन से हम अपने लिए गारमेंट्स बनाते हैं। वो गारमेंट्स हमें विंटर में गर्म रखने में हेल्प करते हैं, है ना। जैसे देखो नीचे बहुत सारी पिक्चर दी हैं, ये आपका सी फूड है, ये आपका क्या है, टर्की, बहुत सारे अंग्रेज लोग टर्की खाते हैं, ये वही है। ये आपके अंडे हैं और ये आपका मिल्क प्रोडक्ट है। ये देखिए, ये ऊन है, वूल है, और ये वूल से बने आपके कुछ पुलोवर्स हैं, और ये आपका जैकेट है, और ये आपकी लेदर से बनी हुई बेल्ट है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एनिमल्स चाहिए। और देखते हैं एनिमल्स क्यों चाहिए आपको। डोमेस्टिक एनिमल्स कैरी लोड्स फॉर पीपल। अब एनिमल्स जो हैं वो वाइल्ड भी होते हैं और डोमेस्टिक्स भी होते हैं। तो जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं उन्हें हम पालते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारा जो है वो स्वार्थ होता है, इसमें भी हम सेल्फिश हो जाते हैं। हम उन्हें खाना चारा इसलिए खिलाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए लोड कैरी करते हैं, मतलब बोझा उठाते हैं। जैसे देखो ये आई थिंक गधा है, और इस गधे के ऊपर बहुत सारी बोरियाँ डाल दी गई हैं। अब ये गधा लॉन्ग डिस्टेंस तक चलेगा और इन बोरियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाएगा, ये लोड कैरी कर रहे हैं। इसी तरह से एनिमल है, एनिमल्स के ऊपर देखिए लोग वक्त बैठ गए हैं तो ये उनका वजन उठा रहे हैं। हाथियों का तो इस्तेमाल बच्चों बहुत ज़्यादा किया जाता है। किस फील्ड में? जो फर्नीचर वाला फील्ड होता है ना, जिसमें लकड़ी हमें टिम्बर चाहिए होती है जंगलों से। तो ये आपके जो देखिए टिम्बर के लॉग्स हैं, ठीक, इन लॉग्स को जंगलों से काट काट कर इतने बड़े बड़े हैवी हैवी लॉग्स जो हैं ये हाथी उठाते हैं और बाहर जंगलों से आउट जो है वो उसको निकाल कर लेकर आते हैं। तो ये सारे आपके जो हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स बन जाते हैं और आपको लोड कैरी करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प प्लाउ द फील्ड, यानी कि जो फील्ड है आपका, जो मैदान है आपका, उसको जोतने में, उसको उसकी सिंचाई करने में भी, इरीगेशन होता है। तो फील्ड को जोतने में हल चलाते हैं, तो हल चलाने की प्रोसेस को प्लाव कहते हैं। तो उसको हेल्प, उसमें भी, उस काम में भी आपकी हेल्प करते हैं बेसिकली कौन, जो बैल होते हैं वो आपकी इसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीपल कीप पेट्स लाइक कैट्स, डॉग्स एंड पैरट्स। लोग बाग इन जानवरों को अपने घरों में रखना, पालना पसंद करते हैं क्योंकि डॉग्स जो हैं वो हमारे घर की रक्षा करते हैं। पैरट और कैट से हम अपना मन बहलाते रहते हैं, एंटरटेन करते रहते हैं खुद को। तो जानवर देखा आपने किस तरह से यूज़फुल हैं, हमारे को भोजन भी देते हैं, हमारे को लेदर भी देते हैं, गारमेंट्स भी हमें उनसे मिलते हैं, और हमारे लिए वो फिज़िकल वर्क भी करते हैं और साथ में हमें एंटरटेन भी करते हैं। तो ये जानवर और प्लांट्स मिलकर हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा कैसा बना देते हैं, कन्वीनियंट बना देते हैं, आसान बना देते हैं। इनके बिना हम अपना एक दिन भी अच्छे से नहीं काट सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा चैलेंज लेकर देख सकते हैं कि आपको एक दिन ऐसा काटना है अपने जीवन में जिसमें आप कोई प्लांट प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे और कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे। फिर मुझे बताइए कि क्या आपसे ऐसा हो पाया। मैंने तो लेकर देखा था चैलेंज और मैं पता हूँ हार भी गई थी, क्योंकि मैं जो भी कुछ इस्तेमाल करती तो मैं सोचती कि ये प्लांट से बना है या एनिमल से। तो कोई भी चीज़ मुझे ऐसी मिली ही नहीं जो कि ना तो प्लांट ने बनाई हो ना एनिमल्स ने बनाई हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही थी वो या तो प्लांट की थी, एनिमल की थी। तो फिर मैं गेम हार गई। अब आप भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो, फिर मुझे बताना आप जीते या हारे, ठीक है।
आगे देखो, द अर्थ टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, उसने लिए बहुत सारे साल, लाखों करोड़ों साल लिए, किस लिए लिए, टू इवॉल्व टू इट्स प्रेजेंट स्टेट। इवॉल्व मतलब क्या होता है, धीरे धीरे विकास करना, धीरे धीरे बढ़ना, इस रूप में आना। तो जो अर्थ आज हमें अपनी प्रेजेंट स्टेट में दिखाई दे रही है ना, जिस तरीके की आज है हमारी धरती, वैसी जो दिखाई दे रही है ना, अगर हम बहुत पहले चले जाएं, लाखों करोड़ों साल पहले चले जाएं, तो ये धरती ऐसी नहीं थी, ये बिल्कुल डिफरेंट थी, इसको ऐसा बनने में बहुत समय लगा। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। तो अभी हमने चैप्टर में ये पढ़ा कि सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब एक दूसरे पर अपने अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर फॉर द अर्थ एंड प्रिजर्व इट्स रिसोर्सेज। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी धरती की चिंता करें, धरती को जिस जिस चीज़ से नुकसान है वो सारे काम हम ना करें, बाकी लोग कर रहे हैं, लेट देम डू, उनको करने दो। ऐसा नहीं सोचना कि वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, नहीं, उनको करने दो, हमको नहीं करना है। एंड प्रिजर्व इट्स रिसोर्सेज, और हमें जो भी रिसोर्सेज मिले हैं, ये प्लांट्स और ये एनिमल्स हमारे रिसोर्सेज ही तो हैं। अब हम प्लांट्स को काटे जा रहे हैं, है ना, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, एनिमल्स को मार रहे हैं, अब हमें उनके लिए क्या नेशनल पार्क बनाने पड़ रहे हैं, जी कि मैं आपने याद भी किया होगा कि अपनी कंट्री में कितने सारे नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं, किसके लिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बात यह है कि एनिमल्स को अलग से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्या है भाई, उनको तो जंगल में रहना अच्छा लगता है ना, तो आप उनके लिए जंगल बनाइए। आपने एक तरफ जंगल साफ कर दिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपको एनिमल्स की रक्षा करनी है, तो ये तो दो बातें हुई ना, आप करना भी चाहते हो और आप करोगे भी नहीं। तो ऐसी स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए, इतना हमारा ओपन माइंड होना चाहिए कि हम अपनी ज़रूरत भी पूरी कर लें, और जो बेचारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी तो इस धरती पर रहने का अधिकार इक्वली है ना जितना हमें है, क्योंकि भगवान ने तो सबको इक्वली बनाया है। तो हम उनके लिए इस तरीके की सिचुएशंस ना क्रिएट करें कि उनका जो जीवन है धीरे 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 ख़त्म होता जाए। ये एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस अर्थ, हमारी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, ये हमें करना है। तो हमें जो अपने रिसोर्सेज हैं, जो हमें गॉड ने गिफ्ट्स दिए हैं, मम्मी पापा आपको गिफ्ट देते हैं, आप उसको संभाल कर रखते हो ना, ऐसा तो नहीं कि उसको फेंक देते हो, उसको ख़राब कर देते हो, उसको तोड़ देते हो, ऐसा नहीं करते, उसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हो। उसी तरह से जो हमारी धरती माँ है, जो हमारी मदर अर्थ है, उसने भी हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, उस गिफ्ट को बोलते हैं रिसोर्सेज। तो हमें उनको भी प्रिजर्व करके रखना है ना। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप सब अपनी धरती का, धरती माता का ख्याल करेंगे, और हमें जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं आप उन्हें प्रिजर्व करके रखेंगे। बस इसी प्रॉमिस के साथ मैं इस चैप्टर को आज फिनिश करती हूँ, और कल हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।